उत्साह देखते ही बनता है। बहुत बड़ी संख्या में, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि दो वर्षों के बाद यात्रा शुरू हो रही है। पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है, उसको चेक किया जाता है और उसके बाद ही श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की अनुमति होती है। अमरनाथ यात्रा 2022 जारी है और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो हैं चंदनवाड़ी की। चंदनवाड़ी वही जगह है जहां से पैदल यात्रा शुरू होती है और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं सिक्योरिटी चेक पॉइंट की तस्वीरें हैं। यहीं पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है, उसको चेक किया जाता है और उसके बाद ही श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की अनुमति होती है। यहां से अगर हम बातचीत करें तो जो सबसे पहला पड़ाव होगा अमरनाथ गुफा की तरफ वो होगा शेषनाग झील, जो कि यहां से 12 किलोमीटर दूर है, और उसके बाद शेषनाग से बाद दूसरा पड़ाव होगा वो होगा पंचतरणी, जो कि शेषनाग से 14 किलोमीटर दूर है और पंचतरणी से पवित्र गुफा 6 किलोमीटर दूर है। और अभी मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं चंदनबाड़ी की। यहीं से पैदल यात्रा शुरू होती है, सिक्योरिटी चेक के बाद श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं, थोड़ी रिफ्रेशमेंट लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि 11 से 12 बजे तक ही श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की अनुमति होती है। तो लगातार सुबह से ही श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और ये वही जगह है जहां पर भगवान शिव ने अपने चंद्रमा को त्यागा था, जब वो माता पार्वती के साथ एकांत जगह पर जा रहे थे जहां उनको अमर होने की कथा सुनानी थी। ये आप तस्वीरें मेरे पीछे देख सकते हैं, श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। ये है चेक बैरियर, ये सबसे पहला चेक बैरियर है जहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक होते हैं, जो उनके बैग्स हैं वो सारे चेक होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होते हैं वो चेक होते हैं। इन्हीं बैरियर को क्रॉस करने के बाद अभी मैं आपको दूसरी तरफ का रास्ता दिखाता हूं। ये वो रास्ता है जो अमरनाथ केव की तरफ जाता है और यहां से पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। जो लोग असमर्थ होते हैं पैदल यात्रा करने के लिए, उनके लिए खच्चरों का भी यहां पर व्यवस्था की गई है, उनकी एक छोटी सी फीस होती है। फीस देने के बाद जो श्रद्धालु हैं खच्चरों का इस्तेमाल करके अपने पवित्र गुफा की तरफ जा सकते हैं और यहां पर श्रद्धालुओं के लिए कई लंगरों की व्यवस्था की गई है। जो भी प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस है उनको ध्यान में रखा गया है। जयकारे लग रहे हैं और जयकारों की गूंज के बीच से होते हुए अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। हम बातचीत कर लेते हैं, कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से। गुजरात से आए हैं आप जी? पैदल यात्रा कर रहे हैं? हाँ, पैदल। काफी लंबा रास्ता है? हाँ, काफी लंबा है। पैदल ही करेंगे, पैदल ही करेंगे। पहली बार आ रहे हो? नहीं, मेरा पांचवा टाइम है। यहीं से जाते हो? यहीं से ही। कैसा लगा दो वर्षों के बाद अभी यात्रा शुरू हो रही है? बहुत अच्छा लगा हमें कि दो वर्षों बाद मौका मिला हमें यात्रा का वापस। दो वर्षों के बाद श्रद्धालुओं को मौका मिला है और ये है उत्साह श्रद्धालुओं में। इस वक्त आप उत्साह देख सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि दो वर्षों के बाद यात्रा शुरू हो रही है और ये यहीं से जो श्रद्धालु हैं थोड़ा जलपान करने के बाद, खाना खाने के बाद अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि ट्रैक काफी लंबा है, मुश्किल भरा है, इसलिए श्रद्धालुओं को जो भी गाइडलाइंस दी जाती हैं उनकी पालना करने की हिदायत दी गई है प्रशासन की तरफ से। अभी आप ये देखिए, श्रद्धालु हैं लंगर खा रहे हैं और यहीं से, ये आप देख सकते हैं, यहीं से पैदल यात्रा की शुरुआत होती है और जरा आप देखिए श्रद्धालुओं में उत्साह देखते ही बनता है। भोले बाबा के संगीत पर कैसे थिरक रहे हैं श्रद्धालु, आखिरकार थिरके भी क्यों ना, क्योंकि दो वर्षों के बाद यात्रा शुरुआत हो रही है। दो वर्षों के बाद ये है जोश। तो ये हम आपको
लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह है। जरा देखिए कैसे थिरक रहे हैं भोले बाबा के संगीत पर। और यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए ना सिर्फ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बल्कि देश भर से श्रद्धालु आते हैं और उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर पकवान तैयार किए जाते हैं। जो श्रद्धालु जिस भी राज्य से संबंध रखता है उसके लिए उसी राज्य का पकवान खाने के लिए मिलेगा। ये आप रिफ्रेशमेंट देख रहे हैं जो कि चने और ब्रेड दिया जा रहा है, हल्का भोजन दिया जा रहा है, साथ में दूध भी दिया जा रहा है। और जिसको सूप चाहिए, सबसे पहले देखिए सूप चाहिए वो सूप लेगा, जिसको वेजिटेबल्स चाहिए वो वेजिटेबल खाएगा, और जिसको दूध पीना है दूध पिए, जिसको चाय पीनी है वो चाय पिए। और बाकी लंगर तो यहाँ पर निरंतर चलता रहता है, जब तक ये यात्रा चलेगी चलता रहेगा। हम आपको अभी आगे लेकर चलते हैं और दिखाएंगे आगे यात्रा कैसे चल रही है, कौन कौन से रास्ते में पड़ाव आते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन मोनू के साथ मैं जतिन कुमार शर्मा, चंदनवाड़ी से लाइव।